विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण आए दिन शॉर्ट सर्किट के कारण विद्युत उपकरण जलकर नष्ट हो रहे हैं। गोवर्धन बरसाना रोड स्थित राधा रानी पेट्रोल पंप के निकट लगे ट्रांसफार्म पर विद्युत शॉर्ट सर्किट से मीटर में लगी आग से अफरा तफरी मच गई। यहां स्थानीय लोगों ने मीटर में लगी आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। ये ताजा मामला गोवर्धन बरसाना रोड स्थित राधा रानी पेट्रोल पंप के निकट का है, जहां अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण विद्युत ट्रांसफार्मर पर लगे मीटर में आग लग गई। मीटर में लगी आग से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने बमुश्किल मीटर के ऊपर मिट्टी डाल कर उस आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण यहां पर कई बार विद्युत शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग चुकी है, जबकि यहां कई बार बड़ा हादसा होते होते बचा है। बावजूद इसके विद्युत विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या मामला है, मीटर में आग लगी है? मीटर में पता नहीं है, लोड है क्या है क्या नहीं है पता नहीं है, पर आए दिन आग लगती है यहाँ से। हमको बहुत भारी समस्या है, फर्नीचर की दुकान है हमारी, साल में 5-7 बार होती है। किसका मीटर लगा हुआ है? ये पंप वालों का, पेट्रोल पंप वालों का जी। अब ये किस हिसाब से आग लगी इसमें, किस क्या कारण है सर? इसकी शिकायत आपने कभी की कहीं? पहले मैंने मीटर ट्रांसफार्मर भी चेंज कराया था कह करके, क्या कहते हैं, अभी मीडिया फोनों पर आग लग गई थी। फिर मैंने शट डाउन लिया था, शट डाउन लेकर के फिर मैंने ये केबल वगैरह चेंज हुई है इनकी। फिर उसके बाद आए दिन साल में 4-5 बार ये घटना होती है। शिकायत की आपने कहीं इसकी? शिकायत की है मैंने। कहाँ शिकायत की आपने? बिजली विभाग में। क्या कहते हैं बिजली वाले? वही कहते हैं ट्रांसफर बदल दिया, जो कमी होती है उसको सुधार जाते चले जाते, इसका सोल्यूशन नहीं निकला अभी तक कि इसका कहीं कुछ लगे ट्रांसफर किया जाए, इधर आगे पीछे कहीं लगवा दिया जाए। मेरा फर्नीचर काम है, मेरा रेजिडेंस है, रोज का आना जाना है, बच्चों का निकलना है। आम लोग यहाँ बैठते भी हैं, काम के पर्दे काम के ये अड्डा है और काम के लोग यहाँ बैठते हैं, कभी किसी कोई घटना बड़ी हो सकती है।